अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब हम लोग मैदान ताइफ में आ चुके हैं, जहां हमारे प्यारे आका जनाबी मोहम्मद मुसव्वा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग फरमाने के लिए तशरीफ़ लाए। आपने इस्लाम की तबलीग की, लेकिन यहां के लोगों ने इस्लाम की दावत को कबूल नहीं किया, बल्कि आप पर ज़ुल्म व जबर किया, आपको सताया और आप पर पत्थर बरसाए और आप ज़ख्मी हो गए। तो आपने आराम फरमाया वही बाग मैं अब हज़रात के लिए दिखा रहा हूँ। फरिश्ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाए और कहा, या रसूल अल्लाह, आप हुक्म फरमाएं तो हम इन पहाड़ों को मिला दें ताकि ये लोग पिस कर मर जाएं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों, मैं रहमत बनकर आया हूँ, ज़हमत बनकर नहीं आया, सवाब बनकर आया हूँ, अज़ाब बनकर नहीं आया। मेरे आका ने फरमाया, अगर ये लोग ईमान नहीं ला रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इनकी आने वाली नस्लें मुझ पर ज़रूर ईमान लाएंगी और मेरी ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर फ़ख्र महसूस कर। ये लोग ज़ियारत करके बाहर आ रहे हैं और हम लोग अंदर जा रहे हैं। मक्का शरीफ से ये बहुत दूर है, 150 किलोमीटर के लगभग में है और पहाड़ों के रास्ते गुज़र कर आए हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर रोड डाल दिए गए हैं। अब सफ़र आसान है, लेकिन वो सफ़र कितना मुश्किल होगा। बड़े बड़े अनार यहाँ पर माशाल्लाह बेच रहे हैं ये हज़रात, देखें लहजा करें। अनवर भाई कहाँ तशरीफ ले गए हैं जनाब? हाय